हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है साइनोफेस। साइनोफेस क्या होता है? ठीक है, इससे पहले हम बैक्टीरिया फेस पढ़े थे। बैक्टीरिया फेस क्या होता है? जो वायरस होता है वो बैक्टीरिया पर अटैक करता है एक पैरासाइट के रूप में और अपना जीवन यापन करता है। धीरे धीरे क्या करता है, बैक्टीरिया को पूरा खत्म कर देता है। ठीक है, वैसे ही नदी तालाब जहाँ भी हो, ठीक है, हमारे उसमें क्या रहता है, साइनोबैक्टीरिया रहता है। ठीक है, तो क्या करेगा, जो साइनोफेस है वो इस साइनोबैक्टीरिया पर अटैक करेगा और अटैक करके क्या करेगा, धीरे धीरे इस साइनोबैक्टीरिया को खत्म कर देगा। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया फेज या साइनोफेस एक ही वर्ड है। ठीक है, इसको ये भी बोल सकते हैं हम, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, अटैक करेगा और साइनोबैक्टीरिया को, ठीक है, पैरासाइट के रूप में करता है साइनोबैक्टीरिया को, ठीक है, खत्म करता है। इसकी खोज सबसे पहले 1963 में किया गया सफरमैन एंड मॉरिसिस ने। किसने किया? सफरमैन एंड मॉरिसिस ने। और किस श्रेणी में रखा? LPP1 श्रेणी में रखा। आप देखते हैं इसका स्ट्रक्चर ऑफ साइनोफेस। क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ साइनोफेस। स्ट्रक्चर में देखो कि अलग अलग तरीके से आपका साइनोफेस, ठीक है, तो LPP1 श्रेणी, M1 श्रेणी या SM श्रेणी। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहले LPP1 श्रेणी। LPP1 श्रेणी में क्या होता है, ये किसके समान होता है? T3 बैक्टीरियोफेज एंड T7 बैक्टीरियोफेज के समान होता है। ठीक है, वैसे ही M जो 1 है, ठीक है, साइनोफेज वो T2 एंड T4 बैक्टीरियोफेज के समान होता है। ठीक है, और SM1 है, ठीक है, वो एक साइनोबैक्टीरिया है। ठीक है, तो देखो इसमें सबसे पहले जो LPP1 है, ठीक है, उसका हेड का व्यास
है, ठीक है। ये हो गया इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट।